सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से आपके सामने यहाँ पे करे क्रेटा बेस मॉडल जो कि 2024 फेस शिफ्ट है। अब भाई इसके अंदर क्या कुछ किया तो कंप्लीट बेस को टॉप के अंदर करने वाले हैं, मतलब मॉडिफाई। एंड अगर बात की इसमें क्या कुछ काम होता है भाई, सारा मतलब ए टू जेड जिसे बोलते हैं सारा काम किया जा रहा है। मेनली फ्रंट की बात करें भाई, फ्रंट के अंदर आगे की तरफ भाई यहाँ पे लग गया था क्रोम सेंटर में, तो उसको हटा के भाई यहाँ पे कनेक्टिंग डीएल लगने वाला है। चाबी पे हमारा डीएल ही ऑन हो जाएगा। साथ साथ हेडलाइट में एलईडी अपग्रेड कर दी गई है। ग्रिल का ऑप्शन मिलता है, ग्रिल भी अपग्रेड आपको मिल जाएगी टॉप मॉडल वाली। एंड अगर साइड की बात की जाए भाई, व्हील कैप लग गया तो निकाल दिया गया और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया एंड लाइन के अलॉय व्हील्स यहाँ पे देख सकते हैं भाई। लुक वाइज बहुत अच्छा है, साइज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है भाई। क्वालिटी जो भाई जेन्युइन क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है। बाकी भी कैप लगना, बाकी कैप भी यहाँ पे इंस्टॉल कर जाएगी। साइड की बात की जाए तो भाई यहाँ पे अभी जो बल्ब है ये हटाया जाएगा, इसके जगह पे भाई साइड वेंट लगाया जाएगा। एंड साइड वेंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया टॉप मॉडल वाले मिरर जो कि प्रॉपर वर्किंग होंगे। नीचे की तो भाई 360 कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी और भाई लाइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। तो भाई टॉप मॉडल वाले आपको मिल जाते जो कि आपके जनरल ह्यूंडई के रहने वाले हैं। इसके बाद बात की जाए, लोअर गार्निश का ऑप्शन अवेलेबल, लोअर गार्निश मिल जाएगी, ऊपर की तरफ डोर वाइज मिल जाएंगे। और अगर साइड की बात की जाए अंदर की तरफ और क्या कुछ चल रहा है काम, तो भाई डैम्पिंग देख सकते हैं, डैम्पिंग इधर हो चुकी है हमारी जो कि डबल लेयर डैम्पिंग रहने वाली है अंदर भी और बाहर भी। एंड साथ ही साथ भाई इसके अंदर भाई आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग डैम्पिंग आती है। स्पीकर्स अपग्रेड होने वाले, स्पीकर्स की भाई वायरिंग वगैरह सब कुछ आपकी कपलर टू कपलर ही रहेगी। एंड बात की जाए भाई स्पीकर्स कौन से, तो भाई ऑप्शन आपको मल्टीपल मिल जाते हैं, JBL, सोनी, पाइनियर, मतलब जिससे बोलते हैं ना मल्टीपल ऑप्शन, वो सारे मिलने वाले हैं। एंड अगर बात की अंदर की और, तो भाई स्टेयरिंग के देखिए, स्टेयरिंग पे अभी कुछ अपग्रेड नहीं किया गया, ना स्टेयरिंग रैप है, ना क्रूज कंट्रोल, वहाँ स्टेयरिंग कंट्रोल लगा, तो वो भी इंस्टॉल होने वाला है, जिसके पार्ट्स आपके सामने रखे ये रहे जो कि आपके ह्यूंडई के जनरल पार्ट्स रहने वाले हैं। एंड बात की जाए भाई इसके अंदर फ्रंट में, तो भाई यहाँ देख सकते हैं स्टेयरिंग के सामने इधर आपका स्टीरियो लगने वाला है जो कि आपका प्रॉपर फ्रेम रहने वाला है इक्वल फिटिंग के अंदर। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको भाई ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो भाई एम्प वूफर का भी ऑप्शन मिल जाता है। सीट का यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है भाई, यहाँ पे सीट ही कस रहे हैं हमारी। और क्वालिटी चेक जी हमेशा की तरह विदाउट एनी रिंकल प्रॉपर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर सीटिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपकी फ्लोरिंग हो गई है और भाई जो मैट लग गया था वही मैट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। बाकी फ्लोरिंग वगैरह आपकी कंप्लीट वाटरप्रूफ यहाँ पे रहने वाली है। एंड अगर बात की और क्या कुछ इसके अंदर हो रहा है, तो भाई पहले पीछे से भी दिखा दूँ, यहाँ की सीट फिट हो चुकी है ऊपर की, क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, बस यहाँ की सीट बाकी है। एंड अगर बात की इसमें और क्या कुछ हो रहा है, तो भाई पीछे दिखाऊँ तो भाई पीछे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया रिफ्लेक्टर हमारा, भाई प्रॉपर वर्किंग मिलेगा इसके अंदर। भाई ऑप्शन मिलते हैं आपको इंडिकेटर, ब्रेक एंड हमारा जब आप पार्किंग ऑन करेंगे तब इसमें मैट्रिक्स अंदर ऑन होता है। बाकी बात की जब भाई भाई ने पाइप निकाल दिया तो भाई वाइपर भी लगने वाला जो कि प्रॉपर वर्किंग होने वाला है यहाँ पे वर्किंग वाइपर। तो भाई एक बार जैसे हटना तो नीचे दिखा दो एक बार, ये देखो भाई अभी कुछ इस तरीके से कुछ लग के नहीं आया, एकदम प्लेन है। तो प्रॉपर वर्किंग वाइपर के साथ में पाइप वाइप सब पानी वानी वॉशर वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्क करने वाला है। एंड अगर बात करें एलईडी में, तो भाई एलईडी देख सकते हैं इग्नाइट ब्रांड की एलईडी जो कि DHC ब्रांड की रहेगी हमारी 180 वॉट के अंदर, तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको रोशनी देखने को मिल जाएगी। बाकी काम अभी ये कुछ चल रहा है, जैसे ही काम कम्प्लीट होता है मैं दिखाता हूँ क्या कुछ अपग्रेड है और किस तरीके से एक बेस क्रेटा फेसलिफ्ट को टॉप मॉडल फेसलिफ्ट बनाया गया। सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, जो हमारी क्रेटा आई थी बेस मॉडल ई वेरिएंट 2024 फेसलिफ्ट वो कम्प्लीट मॉडिफाई हो चुका है हमारे टॉप वेरिएंट के अंदर। बात की जाए इसके अंदर क्या कुछ अपग्रेड किया है, तो भाई इसके अंदर ऑलमोस्ट फुल अपग्रेडेशन है, जैसा फ्रंट में देख सकते हैं चाबी से डीएल ऑन कर दिया, साथ साथ फ्रंट की जो डीएल थी वो भी हमने कनेक्टिंग डीएल इंस्टॉल कर दी है जो कि आपकी जनरल ह्यूंडई की रहने वाली है। ग्रिल अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, ग्रिल अपग्रेड कर दी गई है, हेडलाइट के अंदर यहाँ पे एलईडी अपग्रेड कर दी गई है जिसका रिस्पांस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, मतलब अल्ट्रा वाइड रिस्पांस मिलेगा, साथ साथ क्लैरिटी आपको अच्छी मिलती है, फिटमेंट आपको प्रॉपर मिल जाती है। तो फ्रंट से तो पूरा काम आपके ये हुआ है, साथ साथ एक कैमरे की फिटमेंट फ्रंट में है जो कि आपके 360 कैमरे की प्लेसमेंट है। एंड अगर बात करें साइड प्रोफाइल में, तो भाई साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे अलॉय व्हील इंस्टॉल किए जो कि आपके एनलाइन के रहने वाले हैं, जेन्युइन रहेंगे आपके, आपको भाई बीच में कैप भी देखने को मिल जाएगी, साथ साथ क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है क्योंकि भाई जेन्युइन चीज़ है। सेकेंडरी बात की जाए भाई साइड वेंट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया गया, जैसे बल्ब था वैसे छोड़ा गया कस्टमर की नीड के हिसाब से। एंड ऊपर की तरफ साइड मेरे यहाँ पे अपग्रेड किया गया टॉप मॉडल वाला, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 360 का कैमरा जो कि आपके नीचे की तरफ प्लेसमेंट है। एंड भाई इंडिकेटर ऑप्शन जैसा आपको टॉप मॉडल मिलता है वो तो आपको मिल ही रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए भाई इसके बाद यहाँ पे साइड आप देख सकते हैं कोई भी क्रोम आइटम इंस्टॉल नहीं किया, ऊपर डोर वाइजर लगा, उसके ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारी रूफ रेल जो कि आपके जनरल ह्यूंडई की रहने वाली है। बाकी बात की जाए इसके अंदर भाई अगर नीचे से आपको अपग्रेड चाहिए, तो भाई टॉप मॉडल वाली आपको लुक मिल जाएगी, साइड बेडिंग वो मिल जाती है, आपको लोअर गार्निश मिल जाता है। एंड अगर बात करें आपको हैंडल्स की, तो भाई हैंडल्स पे क्रोम भी लगवा सकते हैं, वो आफ्टर मार्केट होगा, बट अगर जेन्युइन में जाते हैं तो भाई पूरे आपके क्रोम हैंडल यहाँ पे चेंज किए जाते हैं। एंड अगर बात की जाए बैक की, तो भाई बैक प्रोफाइल में भी अच्छी खासी अपग्रेड आपको मिलते हैं,
ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा जो कि आपका जन्म रहने वाला है, और तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हमारा रिफ्लेक्टर जो कि अच्छी खासी आपको लुक के साथ मिल जाता है। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, इंडिकेटर, ब्रेक एंड आपका पार्किंग पे ऑन होने का फीचर। और साथ ही साथ भाई नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपके रियर गार्ड भी इंस्टॉल किया गया जो कि भाई अच्छी खासी ब्रांडिंग के साथ, अच्छी खासी स्टैंड के साथ मिल जाता है। बाकी बैक कैमरा कुछ इस जगह पे आपको देखने मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और भाई हाइपरसोनिक का आपका मैट बिछावा है। क्यों बिछावा है? क्योंकि भाई कैलिब्रेशन अंदर की तरफ चल रही है तो भाई कैलिब्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और भाई यहाँ पे आपका वाइपर इंस्टॉल किया गया जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है वॉशर के साथ में। बाहर से आपको सारी मॉडिफिकेशन बता दी क्या कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, क्या क्या करवा सकते हैं। बाकी आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर से क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। सो गाइस इंटीरियर की बात किया तो सबसे पहले भाई स्टेयरिंग में देख सकते हैं, स्टेयरिंग के ऊपर आपका स्टेयरिंग रैप किया गया जो कि आपको टॉप मॉडल लुक के साथ मिल जाता है स्टिचिंग के साथ में। एंड अगर बात करें इसके अंदर और क्या क्या है तो भाई ग्लॉसी लुक के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे स्टेयरिंग कंट्रोल जो कि आपको प्रॉपर वर्किंग मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा जो कि आपका ये भी प्रॉपर आपको वर्किंग मिल जाता है। तो भाई ये दोनों जो पार्ट है दोनों जेन्युइन आने वाले हैं और सिर्फ यही पार्ट चेंज होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट चेंज किया जाता है। और भाई आपका ह्यूंडई जेन्युइन आने वाला है जो कि मैं आपको डब्बा पहले ही दिखा दिया था। इसी के साथ अगर बात करें स्टेयरिंग कवर की तो भाई इसके अंदर आपको एक मून डिजाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है तो वो भी यहाँ पे आप करवा सकते हैं। अगर बात की साइड में की तो भाई साइड में जो वहाँ पे दिखाया आपको वो प्रॉपर टॉप मॉडल वाला वर्किंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे ही वन टच करते हैं वन टच में फोल्ड और वन टच में यहाँ पे अनफोल्ड भी किया जाता है, भाई दोनों वर्किंग करते हैं साथ साथ। चाबी से जैसे ही लॉक करेंगे वैसे लॉक हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और जैसे ही अनलॉक करेंगे वैसे ही अनफोल्ड भी हो जाएगा। और साथ ही साथ भाई यहाँ देखते हैं ट्विटर सैश भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए इस साइड भी और आपका इस साइड भी जो कि भाई ये भी आपका ह्यूंडई जेन्युइन होने वाला है। एंड अगर बात की इसके अंदर और क्या कुछ हुआ है तो भाई डोर पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच किया गया जो कि प्रॉपर स्टिचिंग के साथ रहने वाला है, स्ट्रेट स्टिचिंग रहेगी डबल स्टिचिंग के अंदर। और तो भाई क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है, मतलब अगर लॉन्ग जर्नी पे जाओ तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से हाथ रखे कंफर्टेबली आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें स्पीकर्स वगैरह तो वो भी यहाँ पे अपग्रेड किए गए, आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सिल लगाए गए हैं। और भाई ट्विटर आपको बताइए ट्विटर सैश के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं तो भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें एंड्रॉयड की तो भाई एंड्रॉयड देख सकते हैं, एंड्रॉयड भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ये कुछ आपका होम पेज रहने वाला है देख सकते हैं, ये कुछ आपका टच रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब अच्छा टच रिस्पॉन्स है, विदाउट लैगिंग वर्क कर रहा है और फ्रेम भी आपका इक्वल यहाँ पे रहने वाला है, फ्रेम के अंदर भी कोई इशू नहीं आने वाला। साथ ही साथ इसके अंदर भाई आपको 360 मिल जाता है, 360 वर्किंग मिलेगा, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, भाई दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ आपकी लुक मिल जाती है 360 की, ये आपका 3D व्यू ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर भाई आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं, फ्रंट बैक जूम इन जूम आउट दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, कैलिब्रेट यहाँ पे कर दिया गया है। साथ ही साथ भाई फ्रंट का व्यू आपको दिखा दूँ, ये फ्रंट का व्यू, ये आपका बैक का, ये आपका लेफ्ट राइट का, ये राइट साइड का, और भाई ये आपका बोथ साइड का, और प्रॉपर फ्रंट का ये तो ये नहीं है। बाकी भाई पूरा आपको यहाँ पे बर्ड आई व्यू देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें इसकी क्वालिटी वगैरह तो भाई क्वालिटी आपकी टॉप नोट रहने वाली, क्वालिटी में यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। एंड भाई इसके अंदर आपको ना मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं तो भाई आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आपका ब्लू प्रिंट का रहने वाला है। इसके बाद अगर बात की है भाई ऊपर की तरफ तो भाई सनग्लास होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपका ह्यूंडई जेन्युइन रहने वाला है। साथ ही साथ भाई लाइट देख सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ लाइट कितनी अच्छी है यहाँ पे, पूरे में रोशनी रोशनी हो रखी है। नीचे की तरफ बात की है तो भाई यहाँ दिखा दूँ फ्लोरिंग की गई है जो कि आपकी कोकोडाइल स्टाइल रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैट लग के आए थे वही मैट वापस लगा दिए, एक मैट यहाँ पे अपग्रेड नहीं किए गए। सीट कवर्स की बात की है तो भाई सीट कवर कुछ तरीके आपको देखने मिलेंगे, हमेशा की तरह टॉप कॉच क्वालिटी मिलती है। साथ साथ फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं, फिटमेंट कितनी अच्छी है विदाउट रिंकल वर्क, हमेशा की तरह कम्फर्ट हमेशा की तरह बेस्ट रहने वाला है। तो भाई अगर ऐसा कुछ काम चाहिए ना सीरियसली बढ़िया वाला काम तो भाई निक्कू भाई के पास जाना, निक्कू भाई सारी डिटेल आपको दे देंगे, सारी प्राइसिंग बता देंगे, बाकी नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा। फ्रंट से बैक से मतलब पूरा गाड़ी यहाँ पे टॉप मॉडल बना दी गई है, बाकी आर्मरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं लेदर रैप किया गया विद प्रॉपर स्ट्रेट स्टिचिंग। तो भाई ये सारा काम इसके अंदर किया गया, काम अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मॉडिफिकेशन, जब तक के लिए बाय।